जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया के वॉरेन बफेट और बिग बुल जैसे नामों से मशहूर स्टॉक इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन शायद बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि उन्हें ये नाम और शोहरत रातों रात नहीं मिली थी, बल्कि उन्होंने इसके लिए अपने जिंदगी के पूरे 37 साल लगा दिए थे। जी हाँ गाइज, राकेश झुनझुनवाला जी ने शेयर मार्केट में अपनी शुरुआत साल 1985 में सिर्फ 5,000 रुपयों से की थी, लेकिन उस वक्त इन 5,000 रुपयों की कीमत आज के लाखों रुपए से कम नहीं थी। इसका मतलब ये था कि वो अच्छी तरह ये जानते थे कि आगे जाकर इंडिया का शेयर मार्केट बुलंदियां छुएगा, और ये बात उन्होंने पहले भी कई बार कही थी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हुई एक बैठक में भी उन्होंने कहा था कि इंडिया का टाइम आ चुका है, और शायद यही वजह थी कि उन्होंने सिर्फ शेयर मार्केट से ही 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति बना ली थी। गाइस, आज भले ही राकेश झुनझुनवाला जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो असल में इंडिया के बिग बुल थे। थैंक यू सर फॉर टीचिंग अस रियल लेसंस ऑफ शेयर मार्केट। रेस्ट इन पीस। गाइस, कई बार हमारे समाज में काम को सिर्फ जाति के आधार पर ही नहीं बल्कि जेंडर के आधार पर भी बांटा जाता है। जिस प्रकार जाति व्यवस्था में जन्म से पहले ही काम करने का पेशा निर्धारित होता है, कुछ ऐसा ही जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ वर्क भी है। लोगों ने पहले से ही मर्दों और औरतों के काम को तय करके रखा है, लेकिन जब औरत अपने घेरे से बाहर निकलकर कुछ हिम्मती करती है, उसे तुरंत कह दिया जाता है मर्दाना। फिर चाहे उसका खुल के हंसने को मर्दाना हंसी बोल दिया जाए या फिर तन के चलने को मर्दाना चाल। इसका सबसे सटीक उदाहरण है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई कविता की पंक्तियां। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, जहां रानी लक्ष्मीबाई के हिम्मत और पराक्रम को मर्दों की सी ताकत बता दी गई, और एक बार फिर ना जाने कितने मर्दों को धूल चटाने वाली एक वीरांगना की ताकत पर भारी पड़ गई मर्दों की ताकत वाली ये उपमा। गाइस, आज ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स तक में लड़कियां वेटलिफ्टिंग और मुक्केबाजी में भर भर के देश के लिए सोना लाई, तो अब बस यही है कि कोई उनकी मेहनत जुनून ताकत और प्रतिभा को ये ना कह दे कि वो मर्दाना है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, पॉपुलर कोरियन वेब सीरीज में खेले जाने वाला स्क्विड गेम अब रियल में खेला जाएगा। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, नेटफ्लिक्स इस वेब सीरीज का रियलिटी शो बनाने जा रहा है जिसका नाम स्क्विड गेम द चैलेंज होगा। इसको लेकर कंपनी ने एक प्रमोशनल वीडियो भी जारी किया है जिसमें स्क्विड गेम के कई सीन्स को दिखाया गया है। इस रियलिटी शो में दुनिया भर के 456 प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे ये रियलिटी शो टीवी इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा शो बन जाएगा। वहीं इसकी इनामी राशि लगभग 36 करोड़ रुपए होगी, जिसे कोई भी प्लेयर जीत सकता है। हालांकि नेटफ्लिक्स ने यह नहीं बताया है कि प्लेयर्स को किस तरह के चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम वेब सीरीज में देखें तो हारने वाले को गोली मार दी जाती थी। क्योंकि ये रियल लाइफ शो है तो इसमें ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी होगा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या ये रियलिटी शो अब वेब सीरीज की तरह पॉपुलर हो पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई महीनों से जंग जारी है। जंग में यूक्रेन तबाह हो रहा है। एक और यूक्रेन जहां बर्बाद हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई लोग युद्ध के विरोध में खड़े हैं और इंसानियत की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। अमेरिका समेत कई देशों ने यूक्रेन की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। इस बीच रूस के एक पत्रकार ने यूक्रेन की मदद कर एक मिसाल पेश की है। जी हां गाइस, रूसी पत्रकार दिमित्री मुरातोव ने शांति के लिए मिले अपने नोबेल पुरस्कार को सोमवार रात नीलाम कर दिया, जिसमें उन्हें $5,00,000 मिले। मुरातोव नीलामी से मिलने वाले पैसे यूक्रेन में युद्ध से विस्थापित हुए बच्चों की मदद के लिए सीधे यूनिसेफ को देंगे। यहां तक कि नीलामी प्रक्रिया का संचालन करने वाली हेरिटेज ऑक्शंस भी मिलने वाली धनराशि में से कोई भी हिस्सा नहीं ले रही है। सही कहते हैं लोग कि इंसानियत तब तक बरकरार रहेगी जब तक अच्छे लोग रहेंगे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और एक अच्छे कमेंट को हम लोग पिन करेंगे। इंतजार किस बात का, कमेंट करिए ना।